दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। हरिनंदन कॉलोनी घोसीपुरा वासियों ने सीएमओ को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया है कि हरिनंदन कॉलोनी घोसीपुरा में अतिक्रमण बहुत अधिक किया जा रहा है, जो कि नेहा पब्लिक स्कूल वाली गली में गोड़ बाबा मंदिर के पास सड़क चौड़ी होने के बाद भी बहुत अधिक अतिक्रमण फैला हुआ है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आने जाने व चार पहिया वाहन निकलने में बहुत परेशानी होती है। उक्त कॉलोनी में एक प्लांट जो कि पूर्व में अतिक्रमण में है, उसे भी हटाया जावे, जिस पर महावीर यादव द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है और आवेदन में मांग की है कि सभी कॉलोनी वासियों की रजिस्ट्रियों की जांच कर हमारी कॉलोनी का अतिक्रमण हटवाने एवं 20 फीट चौड़ा रास्ता करने का निवेदन किया। क्या है, थोड़ा अतिक्रमण है तो उसकी वजह से कोई भी वाहन गली के अंदर जा नहीं पा रहा, कोई भी दुख तकलीफ हो, डिलीवरी वाली महिलाएं हो, तो उनके वजह से क्या है कि अतिक्रमण इतना कर रखा है, चबूतरा चबूतरा बना बना के है ना, वो लोग बहुत आगे तक आ चुके हैं। कौन सी कॉलोनी का मैटर है? श्री वो हरिनंदन कॉलोनी मंदिर क्या नाम है? अबंकी निवासी हैं आप लोग सभी? सब लोग अबंकी निवासी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा राजकुमारी अहरवार। कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं सर, इसकी क्या समस्या है? अभी एक आवेदन लेके आएंगे, नेहा पब्लिक स्कूल घोसीपुरा में कुछ लोगों ने चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, तो हमारा आज ही इंजीनियर को बोला है हमने, तो वो मौका देख कर आएंगे। पहले हम नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं हटाते हैं तो नगर पालिका द्वारा सख्ती से अतिक्रमण हटाया जाएगा।